नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से। आजमगढ़ थाना रानी की सराय परिसर में आगामी त्योहार बड़ा फातवा परानी जलाने तथा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर रानी की सराय थाना परिसर में बृहस्पतिवार को पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक का नेतृत्व सीओ सिटी आजमगढ़ उप जिलाधिकारी सदर रानी की सराय थाना प्रभारी केशव प्रसाद द्विवेदी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए सीओ सिटी आजमगढ़ उप जिलाधिकारी सदर थाना प्रभारी केशव प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि बड़ा फात त्योहार को अपने पारंपरिक ढंग से मनाए, निकलने वाले जुलूस को अपने निर्धारित रास्ते से ही लेकर निकला। साथ ही उन्होंने खेतों में पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज करने की बात करते हुए कहा कि पराली जलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने से खेतों में काफी नुकसान होता है, साथ ही पूरे देश में पराली जलाने के मामले उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, जिसके कारण खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और इसमें पैदावार भी कमी आ जाती है। पर्यावरण को देखते हुए यह सबका दायित्व तो बनता है कि इसको मिलजुल कर रोका जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि एवं बाबरी मस्जिद मामले में फैसला आने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वह हम सभी को स्वीकार करना होगा। अगर कहीं कोई भी इसमें खलल डालने या अफवाह फैलाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पर कोई कमेंट करता है तो उसे चिन्हित कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाज में द्वेष फैलाने वाले पर पुलिस निगाह बनाए हुए है। आपसी सौहार्द पूर्वक न्यायालय के फैसले को स्वीकार करें। पीस कमेटी की बैठक में आए हुए वॉलंटियर ग्रुप के सभी सदस्यों को सीओ सिटी आजमगढ़ उप जिलाधिकारी सदर थाना प्रभारी केशव प्रसाद द्विवेदी ने सभी वॉलंटियरों को कार्ड वितरित भी किया। इस दौरान बैठक में दरोगा अनुपम जायसवाल, मनोज शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, अंबुज, मुन्ना राय, महताप, दिनेश राय, राजेश तिवारी, राजू शर्मा, कुतुबुद्दीन, संजय यादव, शिवानंद, शिवशंकर आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इंडिया पावर न्यूज के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट। यहाँ से उपस्थित लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है कि हम उसके समाज को बनाए रखेंगे। हम इसके लिए प्रसाद द्वारा, मेरे द्वारा, सिटी साहब के द्वारा, एस पी साहब द्वारा, इन लोगों को एस पी कार्ड मिले, ठीक है, इन चीज़ों पर चर्चा है। पाँच वाले ने कार्ड बटवाए, इस पर थोड़ा सा मुझे क्या उम्मीद है बच्चे? लेकिन ये अकेला सत्तर दिन पहले आने वाले इसमें सर्दी लग रहा है और इसके अलावा स्पेशल पुलिस ऑफिसर इसमें हम लोग ये फैसला किया है कि सभी लोग आगामी 17 नवंबर तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आना है मंदिर और मस्जिद विवाद पे, इसके दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने हैं हम लोगों द्वारा गांव गांव में जो भी हमारे कॉम्युनल गांव हैं सब में जा करके पीस कमेटी की बैठकें की गई हैं और सभी प्रबुद्ध गणमान्य व्यक्तियों को बुला करके उनसे इस परिस्थिति में हर हालत में शांति व्यवस्था कायम रखने है बताया गया है। बता तो सब है मंदिर और मस्जिद मुद्दे पे उसको जो है सर्वमान्य होना चाहिए, इसको लेकर किसी प्रकार की अशांति न फैलावें।
और अगर कोई अराजक तत्व इस संबंध में कोई अफवाह या कोई भ्रामक प्रचार करता है तो उसकी सूचना तत्काल हमारे थाने पर हमारे पुलिस कर्मियों को दें, ताकि इसके उपचार हेतु कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और क्षेत्र की सांप्रदायिक या कोई भी शांति व्यवस्था न भंग होने पावे, और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज इस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी और सभी से यही उम्मीद करेंगे कि शांति व्यवस्था हर हालत में अमन चमन बनाए रखेंगे।